नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की चौथी मैच है, जो कि 3 जून 2024 को खेली जाने वाली है। यानी कि आज 3 जून है, तो इस डेट को रात के 8 बजे ये मैच होने वाली है। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो इस प्रेडिक्शन में मैं आपको जिस ग्राउंड पर ये मैच खेली जाने वाली है उस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट बताऊंगा, उस ग्राउंड पर बल्लेबाजों का किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है, गेंदबाजों का किस तरह से रहता है, स्पिनर को विकेट मिलते हैं या नहीं, फास्टर को विकेट मिलते हैं या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको श्रीलंका और साउथ अफ्रीका दोनों भी टीम के तरफ से जो भी बैटिंग ऑर्डर रहेगा, पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, बाद में मिडल ऑर्डर में कौन आएगा, लोअर मिडल ऑर्डर में कौन आएगा, ये सब मैं आपको बैटिंग ऑर्डर दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको इस प्रेडिक्शन में आपको 3 या 4 टीम बनाकर दिखाऊंगा, तो ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते पिच रिपोर्ट से। तो चलिए आपको मैं पिच का स्टार्ट दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो स्टैट्स है, ये इस ग्राउंड का स्टैट्स है। तो इस ये जो ग्राउंड जिस ग्राउंड पर ये मैच खेली जाने वाली है उस ग्राउंड का नाम है नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क, यानी कि ये मैच यूएसए में है। तो इस ग्राउंड पर जो रिसेंट T20 मैचेस हो चुके हैं तो उसमें हाई स्कोर और लो स्कोर क्या हुआ है, बैटिंग का स्टैट्स क्या है और बॉलिंग का स्टैट्स क्या है इस पिच पर, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस ग्राउंड ये ग्राउंड जो है ये नया ग्राउंड है दोस्तों, इसमें कोई भी T20 मैच अब तक खेली नहीं गई है, इसलिए इस मैच के स्टैट्स और बॉलिंग स्टैट, बैटिंग स्टैट या फिर रिसेंट मैचेस के स्कोर आपको नहीं दिखेंगे। सिर्फ एक ही मैच यहाँ पे हुई है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की, यानी कि इस T20 वर्ल्ड कप की एक मैच हो चुकी है जो कि वार्म अप मैच थी। तो वार्म अप मैच 1 जून 2024 को हुई थी जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हुई थी। तो आप देख सकते इसमें मैंने आपको बैटिंग का स्टैट्स भी दिखाया है इस ग्राउंड पर, बॉलिंग का स्टैट्स भी दिखाया है। तो उसके अलावा मैं आपको आगे भी स्टैट्स दिखाऊंगा। तो देखिए इस ग्राउंड पर हाई स्कोर और लो स्कोर कितना बनता है, ये एक ही मैच हो चुकी है तो इस मैच के आधार पर हम इस ग्राउंड का पता लगाएंगे किस तरह से ये पिच बिहेव करेगी, उसका पता लगाएंगे और टीम बनाएंगे। तो आप देख सकते इस ग्राउंड पर जो मैच हो चुकी है तो फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 182 रन बनाए थे 5 विकेट गंवाकर, 20 ओवर खेले थे। तो सेकंड इनिंग में बांग्लादेश ऑल आउट हो चुकी है, सॉरी ऑल आउट ने 20 ओवर खेल के 9 विकेट बांग्लादेश के गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोर हुआ है वो 182 हो चुका है और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर आप देख सकते हैं 122 हो चुका है। तो इस ग्राउंड पर 100 से लेकर 200 तक आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी टीम के तरफ से। तो आप इस स्कोर को ध्यान में रखते हुए आप टीम बना सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बन चुका है 182 और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर 122 है, यानी कि सेकंड इनिंग में आपको विकेट जाता ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश के 9 गिरे थे दो सेकंड इनिंग में। तो ऐसा मत सोचिए कि इस मैच में यानी कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में सेकंड इनिंग में 9 या 10 विकेट गिरेंगे, ऐसा मत सोचिए। हो सकता है 4 या 5 ही विकेट गिरे, 7 गिरे 8 गिरे, 9-10 ना गिरे, ऐसा भी हो सकता है। ये एक मैच के भरोसे पर, इस मैच के भरोसे पर आप सेम वैसा नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हर मैच अलग तरह से जाती है। तो उसमें हो सकता है फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिर जाए, यानी कि श्रीलंका के 10 विकेट गिर जाए, या फिर सेकंड इनिंग में रन चेस हो जाए, यानी कि 3 विकेट गवा कर रन चेस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो भी लगता है जिस तरह से मैच जाएंगे उस तरह से आप मन में स्कोर सोचकर आप टीम बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसमें बैटिंग स्टैट्स भी मैंने दिखाया है। तो इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोर हुआ है, ऋषभ
पंत ने इस ग्राउंड पर हाई स्कोर किया है, यानी कि 53 उसका हाई स्कोर है। और सेकंड हाई स्कोर आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या का है, जिसने 40 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषभ पंत ने इस ग्राउंड पर 53 रन हाई स्कोर बनाया है तो इतने तक ही बैट्समैन को ये रन बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इससे ज़्यादा भी बना सकता है, क्योंकि श्रीलंका और अफ्रीका की तरफ ऐसे बल्लेबाज ज़रूर है जो इससे ज़्यादा हाई स्कोर बना सकते हैं, यानी कि 100 तक भी बना सकते हैं। तो आप उस स्कोर को ध्यान में रखते हुए भी किसी बल्लेबाज को कैप्टन बना सकते हो। तो दोनों भी टीम के तरफ से कोई ना कोई बल्लेबाज इससे ज़्यादा रन भी बना सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप टीम बना सकते हो। और बॉलिंग स्टैट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए हैं, यानी कि फास्ट बॉलर को इस पिच पर मदद है, ये आपको यहाँ से दिख गया होगा। उसके बाद स्पिनर को भी मदद है इस ग्राउंड पर, जैसे कि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया, अक्षर पटेल स्पिनर है। उसी तरह से मेहदी हसन, उसका मैंने यहाँ पर स्टैट्स नहीं लिखा है, लेकिन उसको भी इस मैच में 1 विकेट मिली थी, यानी कि स्पिनर को भी विकेट है। जैसे कि पिछले मैच में इस ग्राउंड पर अक्षर पटेल और मेहदी हसन दोनों भी स्पिनर है, दोनों को विकेट मिली। और फास्टर आप देख सकते हैं महमदुल्ला फास्टर है, इसको विकेट मिली, बुमराह को विकेट मिली, शिवम दुबे भी फास्टर है तो इसको भी विकेट मिली। यानी कि इस ग्राउंड पर आपको स्पिनर और फास्टर दोनों को विकेट मिलते हुए दिखेंगे, तो आपको दोनों भी टाइप के बॉलर को रखना है, यानी कि स्पिनर भी रखो और फास्टर भी रखो अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो। तो चलिए आगे मैं और कुछ आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्म अप का परफॉर्मेंस, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो भी वार्म अप हुआ था उसका परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये रिसेंट परफॉर्मेंस है दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहली मैच होने से पहले यहाँ पर कुछ वार्म अप मैच हुए थे, उस मैच में किसने हाई स्कोर बनाया, किसने कितने विकेट लिए, ये आपको यहाँ पर मैंने स्टार्स का डेटा शेयर किया है। तो आप देख सकते श्रीलंका का जो वार्म अप मैच हुआ था तो उसमें वानिंदु हसरंगा ने 26 रन बनाए थे और विकेट भी मिली थी उसको, यानी कि 2 विकेट मिली थी। एंजेलो मैथ्यूस, इसने भी 32 रन बनाए थे, इसको विकेट नहीं मिली। शनाका ने 23 रन बनाए थे लेकिन उसको 4 विकेट मिल गई। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस ग्राउंड पर 50 से ऊपर हाई स्कोर बन सकता है किसी बैट्समैन का, क्योंकि मैंने इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट मैंने बता दिया है। ऋषभ पंत ने इस ग्राउंड पर वार्म अप मैच में 53 रन बनाए थे। तो इस ग्राउंड पर श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका के टीम के तरफ से कोई भी एक प्लेयर या फिर 2-3 प्लेयर 50 के ऊपर रन बना सकते हैं। तो इस स्कोर को आप ध्यान में रखते हुए टीम बना सकते हैं। तो अगर गेंदबाजों की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दशुन शना का, जो कि फास्ट बॉलर है, इसने इस ग्राउंड पर एक ही मैच खेली है लेकिन उस मैच में उसे 4 विकेट मिले हैं, यानी कि 3 विकेट एक गेंदबाज को मिले हैं। तो थिक्षणा की अगर बात करूँ तो उसने 2 विकेट निकाले, हसरंगा ने 2 निकाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं थिक्षणा स्पिनर है, हसरंगा भी स्पिनर है, तो स्पिनर को भी यहाँ पर विकेट मिल रही है, फास्टर को भी मिल रही है, फास्टर को 3 विकेट मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पिनर को 3 नहीं मिलेगी, स्पिनर को भी मिलेगी इस ग्राउंड पर 3। आप रिस्क लेकर किसी स्पिनर को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस वार्म अप मैच का यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो वार्म अप मैच हुए थे उसमें साउथ अफ्रीका टीम ने कोई भी वार्म अप मैच नहीं खेले हैं, इसलिए उसका परफॉर्मेंस रिसेंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो चलिए मैं आपको आगे का स्टैट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के T20I का बैटिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते बैटिंग ऑर्डर, डिकॉक और हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे, कभी डिकॉक पहले पे आता है कभी दूसरे पे आता है, हेंड्रिक्स कभी पहले पे आता है कभी दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आता है। तो ये ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पे रैन रिकेल्टन आएगा या फिर मरकरम आएगा या फिर दूसरे आएगा। अगर रैन रिकेल्टन नहीं खेलता है तो मरकरम या फिर दूसरे आएगा। तो चौथे नंबर पर आप देख सकते दूसरे है, यानी कि इस साउथ अफ्रीका के बैटिंग ऑर्डर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो
किसी एक फिक्स पोजीशन पे आता हो, कभी वो तीसरे पे आया तो चौथे पे एक बार आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दुसेन, तीसरे मैच दुसेन का आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर पे एक बार आ गया, चौथे पे एक बार आ गया, पांचवे पे एक बार आ गया, यानी कि ये तीसरे पे भी आता है बैटिंग करने, चौथे नंबर पे भी आता है, पांचवे नंबर पे भी आता है। उसी तरह से मरकरम का आप देख सकते हैं, मरकरम तीसरे पे एक आया है, चौथे पे भी बैटिंग करने आया है, तो इसका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज होते रहता है, कोई फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं है कि ये तीन पे ही खेलेगा या फिर चार पे ही खेलेगा। तो स्टप्स का भी आप देख सकते हैं, एक बार पांचवे में आता है, कभी छठवें में आता है, तो आप देख सकते हैं इसका भी बैटिंग ऑर्डर कोई सेम बैटिंग ऑर्डर नहीं है, चेंज होते रहता है। बाकी प्लेयर का भी आप देखेंगे, बॉलर का भी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि कौन कितने नंबर पे बैटिंग करने आएगा, यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इस हिसाब से अपना ड्रीम इलेवन का टीम बना सकते हैं, ग्रैंड लीग का टीम। तो चलिए इस साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन कौन से बॉलर चार ओवर डालेंगे, दो ओवर कौन सा बॉलर डालेगा, तीन ओवर कौन डालेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से गेंदबाजी करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गेंदबाजी करता है हेंड्रिक्स करता है, जो कि दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आता है। उसके बाद मरकरम भी गेंदबाजी करता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पांचवे नंबर पे स्टप्स, ये भी कभी कभी गेंदबाजी कर लेता है, ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो उसके बाद मार्को यानसन, ये तो कन्फर्म गेंदबाजी डालेगा अगर खेलता है तो, ये सातवें नंबर पे बैटिंग करने आता है, कभी आठवें में आता है। उसके बाद फॉर्चून, ये भी गेंदबाजी करता है, कोर्जी करता है, महाराज तो करेगा ही करेगा खेलेगा तो, और बर्गर भी गेंदबाजी करेगा अगर खेलता है तो। उसके बाद रबाडा करेगा, एनगिडी गेंदबाजी करेगा, बैटमैन करेगा, शमसी करेगा, नोकिया करेगा, तो ये सभी गेंदबाजी है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि एक ही मैच में ये सभी के सभी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अगर कोई मेन गेंदबाज हो उसकी अगर पिटाई हो रही हो तो पार्ट टाइम गेंदबाज को गेंदबाजी मिल सकती है, जैसे कि स्टप्स हो गया, मरकरम हो गया, उसके बाद हेंड्रिक्स हो गया, रिजा हेंड्रिक्स, तो ऐसे गेंदबाजों को पार्ट टाइम गेंदबाजी मिल सकती है अगर उनका मेन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं करता हो, यानी कि उसकी पिटाई होती हो, तो इनको गेंदबाजी मिल सकती है। तो इनमें से चार ओवर कौन डालेगा, दो कौन डालेगा, तीन कौन डालेगा, तो यहाँ पे चार ओवर कौन कौन डालेगा वो मैं आपको बताता हूँ। शमसी चार ओवर डालेगा, नोकिया डालेगा चार ओवर, बैट्समैन डालेगा, एनगिडी डालेगा, महाराज डालेगा चार ओवर, बर्गर डालेगा, यानसन डालेगा, कोर्जी डालेगा, और मरकरम भी कभी कभी चार ओवर डाल देता है। तो ये बॉलर है जो चार ओवर डालेगा, बिजॉन फॉर्टून ये भी चार ओवर डालेगा। तो ऐसा नहीं है कि इनका कन्फर्म है कि चार ओवर डालेगा, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई भी चार ओवर डालने वाला जो प्लेयर मैंने बताया है उनमें से किसी भी गेंदबाज की अगर पिटाई होती हो, इकोनॉमी ज़्यादा दिखाता हो, तो ऐसे में इसके ओवर कट सकते हैं, उनको चार ओवर नहीं मिलेंगे। अगर कोई इनमें से गेंदबाज अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करता हो, विकेट भी लेता हो, तो उसको चार ओवर ज़रूर डालने को मिलेंगे। तो ये मैंने बता दिया चार ओवर कौन कौन डालेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दो से तीन ओवर कौन डालेगा। तो रिजा हेंड्रिक्स ये एक ओवर डालेगा, एक या दो। मरकरम एक से लेकर तीन ओवर डालेगा। उसके बाद स्टप्स एक से लेकर तीन डालेगा। उसके बाद फॉर्चून भी कभी दो तीन ओवर डाल देता है। उसके बाद एनगिडी भी कभी तीन ओवर डाल देता है। बैट्समैन भी तीन ओवर डालता है, तो ये तीन ओवर डाल सकते हैं। नोकिया भी तीन डालता है कभी कभी, शमसी भी डालता है, तो वो निर्भर करता है कि उनकी पिटाई किस तरह से हो रही है, तो उस तरह से उनको गेंदबाजी मिलेगी। तो मैंने आपको साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर दिखा दिया, कौन कितने नंबर पे
आएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया, कौन गेंदबाजी करेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे बता दिया। तो इनमें से कोई ना कोई प्लेयर तो कल की मैच सॉरी आज की मैच नहीं खेलेगा, इनमें से कुछ ना कुछ प्लेयर नहीं खेलेंगे, तो जो खेलेंगे उनको गेंदबाजी मिल सकती है या फिर बल्लेबाजी। तो चलिए मैं आपको अब श्रीलंका का भी बैटिंग ऑर्डर और कौन गेंदबाजी करेगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए श्रीलंका का स्टार्ट देखते हैं। तो श्रीलंका का स्टार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, धनंजय डी सिल्वा, ये कभी पहले नंबर पे बैटिंग करने आता है, कभी तीसरे में आता है, कभी आता है छठवें नंबर पे, कभी पाँचवें नंबर पे आता है, यानी कि इसका भी कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म एक प्लेयर का है, यहाँ पे निशंका का कंफर्म है ये ओपनिंग करेगा, कुशल मेंडिस का कंफर्म है ये ओपनिंग करेगा। उसके बाद अगर निशंका या फिर कुशल मेंडिस में से कोई नहीं खेलता हो तो यहाँ पे कमिंडू मेंडिस ये ओपनिंग करेगा, या फिर समर विक्रमा करेगा, या फिर धनंजय डी सिल्वा भी करेगा। तो तीसरे नंबर पे कमिंडू मेंडिस आता है, राजापक्षा भी आता है, असलंका भी आता है, और चौथे नंबर पे समर विक्रमा आता है। कभी समर विक्रमा दूसरे पे आ जाता है, कभी पांचवे पे आ जाता है, तो इसका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज होते रहता है। मैथ्यूज़ का भी चेंज होता है, मैथ्यूज़ कभी छठवें पे आता है, कभी सातवें पे आता है बैटिंग करने। सेना का भी इसका भी चेंज होते रहता है, कभी छठवें पे आता है, कभी सातवें पे, कभी आठवें पे, तो इस तरह से इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होते रहता है। कोई भी बैटिंग ऑर्डर इनका फिक्स नहीं है, फिक्स दो ही प्लेयर का है, एक तो निशंका है ये ओपनिंग करेगा, दूसरा प्लेयर ये कुशल मेंडिस है जो ओपनिंग करेगा, बाकी के जो प्लेयर है गेंदबाज हो गए या फिर लोअर मिडल ऑर्डर बैटर हो गए उनका भी मैंने यहाँ पे कौन कितने नंबर पे बैटिंग करेगा यहाँ पे लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देखकर उन्हें इस बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आप ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं। तो चलिए इनमें से कौन कौन गेंदबाज चार ओवर डालेंगे और कौन कौन तीन डालेंगे, कौन दो डालेंगे ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि इन प्लेयर में से कौन कौन से प्लेयर गेंदबाजी करेंगे। तो मधुशन का तो कंफर्म करेगा, पतिराना खेलेगा तो वो भी कंफर्म करेगा, थुषारा भी करेगा, आशिता फर्नांडो ये भी कंफर्म गेंदबाजी करेगा, थिक्षणा करेगा, उसके बाद वियास कांत भी कंफर्म करेगा, दुष्मंता शमीरा भी कंफर्म गेंदबाजी करेगा, वेला लागे अगर खेलता है तो ये भी कंफर्म गेंदबाजी करेगा, हसरंगा भी करेगा, शनाका भी कंफर्म करेगा, मैथ्यूज भी कंफर्म गेंदबाजी करेगा, राजापक्षा का इसका कोई कंफर्म नहीं है ये करेगा या फिर नहीं करेगा, अगर किसी गेंदबाज की पिटाई होती है तो राजापक्षा करेगा, असलंका भी इसका भी कंफर्म नहीं है, इसको तो ज़्यादातर गेंदबाजी मिलती ही नहीं है, लेकिन कभी कभी डाल देता है अगर किसी गेंदबाज की पिटाई होती है तो इसको ज़रूर गेंदबाजी मिलेगी। उसके साथ धनंजय डी सिल्वा, इसका भी कंफर्म नहीं है, वैसे तो ये प्लेयर ऑलराउंडर है लेकिन इसको कभी कभी गेंदबाजी नहीं मिलती है, सिर्फ बैटिंग ही मिलती है। पहले तो ये इसको गेंदबाजी मिला करती थी, लेकिन जब से ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आ रहा है तो तब से उसको गेंदबाजी इसकी कंफर्म नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले ये गेंदबाज था इसलिए मिल रही थी, अब ये दोनों भी कर लेता है इसलिए गेंदबाजी मिलना इसको मुश्किल है। तो कमिंडू मेंडिस आपको जो दूसरा तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है और छठे नंबर पे आता है, इसको भी गेंदबाजी मिलेगी, तो ये भी चार ओवर करेगा। तो इनमें से कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो चार ओवर करेंगे, तो यहाँ पे मधुशन का चार करेगा, पथिराना चार करेगा, थुषारा चार करेगा, थिक्षणा चार करेगा, असिता फर्नांडो ये चार ओवर करेगा, हसरंगा चार ओवर करेगा, उसके अलावा कमिंडू मेंडिस ये चार ओवर करेगा, हसरंगा चार ओवर करेगा। तो ये जो गेंदबाज मैंने बताया है ये चार ओवर करेंगे, तो कौन सा गेंदबाज किस टाइप की गेंदबाजी करता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। थुषारा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पथिराना राइट आर्म फास्ट बॉलर है, मधुशन का लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, वियास कांत लेग ब्रेक बॉलर है, उसके अलावा राजापक्षा राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है और लेफ्ट आर्म बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, असलंका ऑफ ब्रेक बॉलर है,
लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके नाम के सामने कौन किस तरह की गेंदबाजी करेगा वहाँ पे लिख दिया है। तो इनमें से कौन दो ओवर डालेगा, एक से लेकर तीन ओवर कौन डालेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। एक से लेकर तीन ओवर यहाँ पे कमिन डुमेंडिस डालेगा, राजापक्षा डालेगा, लेकिन राजापक्षा का कन्फर्म नहीं है, श्रीलंका का भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कमिन डुमेंडिस ये गेंदबाजी इसको मिलने के चांसेस ज़्यादा है राजापक्षा और श्रीलंका के कंपेरिजन में। कमिन डुमेंडिस को गेंदबाजी मिलने के चांसेस है। लियान आगे आपको जो दिख रहा है चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है और पाँचवें नंबर पे आता है, इसको ये फास्ट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, तो इसको भी गेंदबाजी मिल सकती है। वैसे तो इसको ज़्यादातर मिलती नहीं है लेकिन मिल सकती है। और तीन ओवर कौन डालेगा, एक से लेकर तीन, यहाँ पे मैथ्यू से एक से लेकर तीन ओवर डालेगा, शना का एक से लेकर तीन ओवर डालेगा, विजयास कांत एक से लेकर तीन ओवर डालेगा। तो बाकी के जो बॉलर हैं ये सभी चार ओवर डालेंगे, लेकिन पीटीआई होती है तो उनको भी दो या तीन ओवर ही मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन बल्लेबाजी किस नंबर पे आके करेगा, कौन कितने ओवर डालेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कौन किस टाइप की गेंदबाजी करेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए आगे कुछ और स्टार्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आगे कुछ स्टार्स नहीं है, मैंने जो स्टार्ट दिखाना था वो सभी दिखा चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से टीम बनानी है। तो ये बैक आ गया, चलो मैं आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा, दो से लेकर तीन या फिर चार टीम बनाकर दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और जो फाइनल टीम रहेगी वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो टीम बनाऊंगा इनमें से कौन खेलेगा कौन नहीं है कन्फर्म नहीं है, स्क्वाड आने के बाद कन्फर्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो खेलेगा उस हिसाब से मैं टीम बनाकर दिखाऊंगा। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं मैच जिस ग्राउंड पर मैच होती है उसकी पिच रिपोर्ट बताता हूँ, उसके अलावा मैं आपको कौन कौन से प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ, कितने ट्रंप लेना है कितने हाई सिलेक्शन लेना है वो बताता हूँ, और मेरे कई सारे टिप्स काम कर जाते हैं। कल तो मेरे 100% मेरे टिप्स और ट्रिक काम कर गए, तो इसलिए अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स भी जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको स्टैट्स शेयर करके किस तरह से टीम बनानी है वो भी बताते रहता हूँ। तो चलिए इसमें मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं हाई सिलेक्शन प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। तो हाई सिलेक्शन प्लेयर मैं किसे बोलता हूँ, जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है उन सभी को मैं हाई सिलेक्शन प्लेयर बोलता हूँ, और जो 50 के अंदर होते हैं उन सभी को मैं लो सिलेक्शन प्लेयर या फिर ट्रंप प्लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी हाई सिलेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इस मैच में कितने हाई सिलेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 हाई सिलेक्शन है जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है, तो उन सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 10 प्लेयर मैंने आपको दिखाए हैं तो ये सभी हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं। तो लोगों ने इन्हें क्यों सिलेक्ट किया है आज के मैच में, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बल्लेबाज है या तो वो फर्स्ट नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं या फिर ऐसे बल्लेबाज है जो हर मैच में अच्छा खासा रन बनाते हैं यानी कि ड्रीम टीम में आ जाते हैं, और ऐसे बल्लेबाज या और ऐसे प्लेयर को लोगों ने लिया है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं, जैसे कि मार्करम हो गया, हेंड्रिक्स हो गया, यानसन हो गया, हसरंगा हो गया, और ऐसे गेंदबाजों को यहाँ पर लिया है लोगों ने जिनको लगातार हर मैच में विकेट मिलते रहते हैं, जैसे कि रबाडा हो गया, पथिराना हो गया। ये पीपल चॉइस है दोस्तों, यानी कि लोगों की पसंद है ये प्लेयर, लोगों ने इन प्लेयर को पसंद किया है इसलिए उनको लिया है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको भी लोगों के हिसाब से चलना
ऐसा बिल्कुल मत करना, लोगों के खिलाफ जाइए आप। इनमें से कुछ प्लेयर को ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मैं आपको टिप्स बताता हूँ जो हर मैच में काम करती है, वो टिप्स कौन सी है, उस टिप्स का यूज़ कीजिए। आप टीम बनाइए, आपको पक्का अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरी टिप्स के मदद से। तो टिप्स कौन सी है, टिप्स यही है कि आपको इनमें से मिनिमम 3 को हटाना है, यानी कि 10 प्लेयर है, 10 में से 3 को हटाओ और वहाँ पे 4 ट्रम्प प्लेयर डाल दो, यानी कि 50 के अंदर वाले 4 ट्रम्प डाल दो। तो ये टिप्स है आपको मेरी तरफ से। तो आप इस मैच में 4 से लेकर 7 के बीच में ट्रम्प प्लेयर डालना, यानी कि 50 के अंदर वाले जो प्लेयर है 4 से लेकर 7 के बीच में ही डालना, इससे ऊपर या नीचे मत करना। ये आपको मेरी तरफ से दूसरी टिप्स है, तो आपको यही करना है, ज़रूर ये काम करेगी दोस्तों, आप मुझ पे भरोसा रखो। हर मैच में मैंने आईपीएल का जो मैचेस गए थे उनमें भी ये टिप्स हर मैच में काम की थी, तो आपको ये ट्रिक इस मैच में भी काम कर, मुझे लगता है वो ट्रिक इस T20 वर्ल्ड कप में भी काम करेगी, इसलिए आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत लीग जो थी उसमें बहुत सारे मैचेस हो चुके थे, तो ये भी टूर्नामेंट जो है ICC का, इसमें भी बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, तो हर मैच में वो ट्रिक काम कर चुकी थी, तो इसलिए इस मैच में भी उस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। तो 4 से लेकर 7 के बीच में आज के मैच में ट्रम्प आने वाले हैं, ये मैं लिख के दूँगा, अगर आप चाहते हो कि मैं लिख के दूँ कि 4 से लेकर 7 ट्रम्प आएंगे, तो मैं लिख के दूंगा कि 4 से लेकर 7 आएंगे, तो आप इनके बीच में या फिर 4 से लेकर 7 तक ही ट्रम्प लेना है, इससे नीचे या ऊपर मत लेना, तो ये आप ज़रूर करना। तो चलिए मैं आपको हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर कितने लेने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर आपको यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं उन सभी प्लेयर में से मिनिमम 4 लेना है आपको, मैक्सिमम 7 तक लेना है, यानी कि 3 मत लेना, मिनिमम 4 तो कंफर्म इस मैच में परफॉर्म करेंगे और मैक्सिमम 7 तक करेंगे, तो आपको मैक्सिमम 7 तक ही लेना है, 4 से लेकर 7 के बीच में लेना है। तो ये आपको मेरी तरफ से और एक टिप्स है, तो आपको इस टिप्स का यूज़ करना है, इसे आप टिप्स बोलो या ट्रिक बोलो, जो भी बोलो आप इसका यूज़ ज़रूर करो, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा दोस्तों, यकीन करो। तो चलिए मैं आपको इन सभी प्लेयर को हटाकर आपको ट्रम्प प्लेयर बताता हूँ कौन कौन से ट्रम्प प्लेयर हैं, उसके बाद मैं आपको 2 से लेकर 3 टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से हैं उनको भी मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ट्रम्प प्लेयर में किसे बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर होता है, उन सभी को ट्रम्प बोलता हूँ या फिर लो सिलेक्शन प्लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी 50 के अंदर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैथ्यूस ट्रम्प है, सिल्वा एक है, लेकिन सिल्वा सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस मैच में 11 से ज़्यादा ट्रम्प प्लेयर है, तो इतने सारे ट्रम्प प्लेयर को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा एक ही टीम में, क्योंकि ड्रीम 11 ऐप में सिर्फ 11 ही प्लेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट कर लिया है, लोगों का इन पे भरोसा कम है, लेकिन इनमें से कुछ प्लेयर ज़रूर आज के टीम में ग्रैंड लीग में आएंगे, यानी कि ड्रीम टीम में आएंगे, तो ये भी बात आप मेरी तरफ से लिख के रख दो, इनमें से कुछ ना कुछ प्लेयर ज़रूर आज ड्रीम टीम में आएंगे, ये प्लेयर और बॉलिंग में जो ट्रम्प है उनमें से कुछ प्लेयर कन्फर्म आएंगे, मिनिमम 4 तो ट्रम्प आएंगे ही आएंगे, तो 4 और 7 के बीच में आपको लेना है। तो चलिए मैं इनको हटाकर मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से मैं टीम बना रहा हूँ। तो टीम बनाते वक्त आपको मैं टिप्स भी शेयर करते हुए टीम बनाऊँगा। तो चलिए टिप्स बताते हुए टीम बनाऊँगा। तो मैं इसमें से ट्रम्प आपको कहाँ पे डालना है, सबसे पहले आपको डालना है बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में कन्फर्म ट्रम्प प्लेयर आज के मैच में आएगा, ये मेरी तरफ से लिख के रख दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि मैंने गलत बोला, गलत टिप्स दिया, ऐसा बोल सकते हो। मैं लिख के देता हूँ कि बॉलिंग सेक्शन में आज ट्रम्प आएगा,
तो ज़रूर आएगा दोस्तों, नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रम्प ज़रूर डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रम्प डालता हूँ। तो ट्रम्प मैं डालता हूँ इसे बॉलर को जो 4 ओवर करेगा। एक नांद्रे बर्गर को डाल दिया, उसके बाद बर्गर 4 ओवर डालेगा। उसके बाद ट्रम्प यहाँ पे निरोशन तुषारा को डाल दिया, उसके बाद दुश्मन ताचमीरा को डाल दिया। स्पिनर को भी डाल देता हूँ क्योंकि स्पिनर भी इस मैच में चलते हैं। तो 4 मैंने यहाँ से ट्रम्प ले लिए हैं, तो इसमें मैं हाई सिलेक्शन भी डालूँगा, हाई सिलेक्शन भी चलेंगे। तो यहाँ पे हाई सिलेक्शन गेंदबाज की अगर बात करूँ तो 2 हाई सिलेक्शन है, तो इनमें से एक आ सकता है या फिर दोनों भी फ्लॉप हो सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे कागिसो रबाडा को ले लिया। तो ये हमारे कुछ प्लेयर हो चुके हैं, तो इसमें एक हाई सिलेक्शन है और 4 ट्रम्प है, तो इसमें और 3 में ट्रम्प डाल सकता हूँ। तो चलिए ट्रम्प कहाँ कहाँ पर डालता हूँ चेक कर। यहाँ पे मैं ट्रम्प डालूँगा, मैथ्यूज को डालूँगा। उसके बाद बैटिंग में देखता हूँ कौन ट्रम्प है। शनाका को डाल दिया, रैन रिकेल्टन को डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 7 मैं ट्रम्प लिया है, एक हाई सिलेक्शन है, तो एक हाई सिलेक्शन को नहीं रबाडा। बाकी के जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं उसके अलावा वो सभी के सभी ट्रम्प हैं। तो इसमें मैं 4 हाई सिलेक्शन और 7 ट्रम्प प्लेयर इस टीम में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया और मुझे 3 हाई सिलेक्शन डालना है। तो कौन कौन डालता हूँ देखिए, यहाँ से मैं लेता हूँ कुशल मेंडिस को ले लिया, क्लासे को ले लिया। उसके बाद हाई सिलेक्शन यानसन को ले लिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा मैंने रिस्क ली है इसमें, मैंने हसरंगा को नहीं लिया, हेंड्रिक्स रिजा हेंड्रिक्स को नहीं लिया। वो 50 से ऊपर कभी कभी मार देता है, तो अगर वो मार दिया तो ये मेरी टीम फर्स्ट रैंक पे नहीं आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट रैंक पे भी आ सकती है, मैंने रिस्क लिया है, तो फर्स्ट रैंक पे भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यूनिक टीम है इसलिए फर्स्ट पे ही आएंगी, यूनिक टीम भी विनिंग जोन से बाहर जाती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगा कि आप भी इसी सेम टीम के साथ जाओ, लेकिन आप इसी तरह से रिस्क लेकर ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी पसंद की एक टीम बनाइए, मैंने जो टिप्स बताया है उसके हिसाब से आप उस टिप्स का यूज़ करते हुए टीम बनाइए, आपकी भी टीम फर्स्ट रैंक पे आने के काब ज़रूर आएंगी। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ, इसमें कैप्टन मैं यानसन को बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ रबाडा को। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। तो मैंने यानसन को और रबाडा को क्यों कैप्टन बनाया, क्योंकि यानसन और रबाडा जो ये जो दो प्लेयर हैं, ये दोनों भी प्लेयर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और पावर प्ले में मैंने कुछ टॉप ऑर्डर को फ्लॉप किया है। जैसे कि पावर प्ले में फर्स्ट बैटिंग कौन करने आता है, यहाँ से निशंका आता है, निशंका की अगर विकेट चली जाए तो यह हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टीम बनाकर दिखा दिया, तो ये एक टीम हो गई। चलो मैं आपको और 2 या 3 टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो इसमें मैं और एक अलग टिप्स बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको ऐसे प्लेयर बताऊंगा जिस प्लेयर पे किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन वो भी ग्रैंड लीग में आने के उनमें भी काबिलियत है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं उनको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। समर विक्रमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कभी दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आता है, कभी है चौथे पे आता है, कभी पांचवे में आता है, कभी छठवे में आता है। तो इसको तो बल्लेबाजी ज़रूर मिलेगी अगर ये परफॉर्मेंस कर दे तो हमारी ये टीम काम कर सकती है। तो ये ऐसा प्लेयर है जिस पे कोई रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन ये टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर बैटर है, टॉप ऑर्डर में भी करता है, मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे कमिंडो मेंडिस, ये गेंदबाजी और
बल्लेबाजी दोनों करेगा, ये कभी छठवें नंबर पे आता है कभी तीसरे पे, तो ये ऐसा प्लेयर है जिस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद ये रैन रिकल्टन, ये तो तीसरे नंबर पे भी आता है, तीसरे नंबर पे ही आता है, तो इसको तो बैटिंग ज़रूर मिलेगी। अगर ये परफॉर्म कर दे तो हमारी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद लियान आगे, ये तो चौथे और पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, ये तीसरे पे आता है। उसके बाद असलंका भी तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे आता है। शनाका ये गेंदबाजी करेगा, ये ऐसा प्लेयर है जिस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ लोगों ने लिया है लेकिन ये पीपल चॉइस नहीं है, यानी कि बहुत कम लोगों ने इसे लिया है। वेला लागे, ये स्पिनर है, इसको काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करनी आती है, इसको विकेट भी मिलते हैं और बल्लेबाजी भी छठवें सातवें नंबर पर आकर कर लेगा। धनंजय या डी सिल्वा ये ओपनिंग करने आएगा, या फिर तीसरे नंबर पे या फिर चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, गेंदबाजी भी करेगा, इसलिए इसको ले लिया। मैथ्यूज को ले लिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे प्लेयर को निकाल दिया है जिन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे प्लेयर है दोस्तों जिनमें पूरी काबिलियत है कैप्टनसी वाली पारी खेलने की, पूरी काबिलियत है ड्रीम टीम में आने की। तो ऐसे प्लेयर पर बहुत लोगों ने कम रिस्क लिया है, तो आपको ऐसे प्लेयर को आज ज़रूर यूज़ करना है। इनमें से कोई ना कोई कंफर्म आज के ड्रीम टीम में आना है, तो हो सकता है इनमें से चार आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, लेकिन एक तो कंफर्म आएगा, ये आप मेरी तरफ से लिख के रख दो। तो चलिए इनमें से कुछ प्लेयर लेके मैं एक ड्रीम टीम बनाता हूँ, सॉरी ड्रीम इलेवन की टीम बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं लेता हूँ मैथ्यूस और वेला लागे, दोनों को ले लिया। सिल्वा को ड्रॉप किया, उसके बाद यहाँ से शनाका को ले लेता हूँ, असलंका को ड्रॉप करता हूँ, लियान आगे को ड्रॉप करता हूँ। बैटिंग में चलो शनाका को ड्रॉप कर देता हूँ मैं, कामिंदु मेंडिस को ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने उनमें से पांच प्लेयर लिए हैं, तो पांच प्लेयर भी आ सकते हैं उनमें से, तो ये मैंने ले लिए। तो इसमें मैं ये पांच ट्रंप हो गए हैं, तो अगर मैं ट्रंप डालूँगा तो दो से ऊपर तो बिल्कुल नहीं डालूँगा, यानी कि ये पांच हो गए तो मैक्सिमम सात तक ही डालूँगा, उससे ऊपर तो नहीं डालूँगा। आपको भी यही करना है, चार से लेकर सात तक ही करना है। तो ट्रंप आपको यहाँ पर कहाँ डालना है मैं वो भी बताता हूँ। तो आपको बॉलिंग में डालना है, बॉलिंग में ज़रूर ट्रंप आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रंप है दोस्तों, सिर्फ दो ही आई सिलेक्शन है, बाकी के सभी ट्रंप है। तो इनमें से कुछ प्लेयर कंफर्म आने वाले हैं, तो यहाँ से मैं डालूँगा कोडजी को डालूँगा, ये ट्रंप है। उसके बाद यहाँ से मधुशंका को डालूँगा, तो ये ट्रंप हो गए, यानी कि मैंने सात ट्रंप लिए हैं, इसमें चार आई सिलेक्शन डालने वाला हूँ। तो हाई सिलेक्शन में यहाँ से डालूँगा, हेंड्रिक्स को डाल दिया। उसके बाद ऑलराउंडर में मार्कम और हसरंगा दोनों को डाल दिया। उसके बाद बॉलिंग में रबाडा डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ, कैप्टन बनाता हूँ रिजा हेंड्रिक्स को और वाइस बनाता हूँ हसरंगा को। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। कि मैंने हेंड्रिक्स को क्यों कैप्टन बनाया, क्योंकि ये अगर खेल गया तो ये 70 80 या फिर 90 भी रन मार सकता है, इसमें पूरी काबिलियत है। और हसरंगा को क्यों बनाया, क्योंकि ये लगातार विकेट लेते रहता है, एक दो विकेट लेते रहता है, कभी तीन ले लेता है, कभी चार, कभी पाँच, इसलिए इसको वाइस बना दिया। और इसको बल्लेबाजी भी मिल सकती है, क्योंकि ये छठवें नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है, कभी पाँचवें में आता है, कभी चौथे में आता है, कभी सातवें में आता है, तो इसलिए इसको बल्लेबाजी मिल सकती है। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। चलो मैं और एक आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा, तो ये आखिरी टीम होगी। तो इसमें मैं सात हाई सिलेक्शन लूँगा और चार ही ट्रंप लूँगा। तो बॉलिंग में आपको ट्रंप ज़रूर डालना है, बॉलिंग के अलावा आपको और भी सेक्शन है उसमें भी आपको ट्रंप डालना है। तो कीपिंग, ऑलराउंडर और बैटिंग, इनमें से किसी एक या दो सेक्शन में
या फिर तीनों सेक्शन में टर्म ज़रूर आने वाले हैं, ये भी आप मेरे तरफ से लिख के रख दो, तो इसमें ज़रूर आएंगे तो उसमें ज़रूर ट्राई करूँगा। तो यहाँ से बॉलिंग में टर्म डालता हूँ, पहले तुषारा को एक डाल दिया, बर्गर को डाल दिया, बार्टमैन को डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने तीन ले लिया। तो मुझे अब एक ही ट्रम डालना है, यानी कि मैंने बोला कि चार ही डालूँगा, तो ये एक ट्रम्प मैंने ले लिया। तो इसमें मैं सात हाई सिलेक्शन डालूँगा, तो हाई सिलेक्शन मैं यहाँ से लेता हूँ, कुशल मेंडिस को ले लिया, उसके बाद यानसन को ले लिया, निशंका, चलो निशंका को नहीं लेता हूँ, चलो निशंका को ले लिया, कुशल को ड्रॉप किया। यहाँ से मैं दूसरे किसी आई सी सिलेक्शन को लेता हूँ, क्लासी को ले लिया, और मुझे पांच आई सिलेक्शन डालना है। तो यहाँ से गेंदबाजी में रबाडा पथिराना दोनों को डाल दिया, यहाँ से यानसन मरक्रम हसरंगा तीनों को डाल दिया, यानी कि सात हाई सिलेक्शन और चार ट्रम्प प्लेयर ले लिया। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ निशंका को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ मैं राजापक्षा को। निशंका को क्यों बनाया, क्योंकि ये भी बल्लेबाज जो है दोस्तों, ये भी लंबी पारी खेल सकता है, इसमें काबिलियत है, इसमें इस पर रिस्क लेकर मैं इसे कैप्टन और राजापक्षा को वाइस बना रहा हूँ। राजापक्षा ये तीसरे नंबर पर आएगा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ओवर मिलेंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी 80-90 रन मार सकता है, तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। तो ये मैंने तीन टीम बनाकर आपको दिखा दिया है, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप इसी टीम के साथ जाइए, इनमें से कुछ प्लेयर खेलेंगे कुछ नहीं खेलेंगे, तो फाइनल टीम जो रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा। आप टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में है, आप यहाँ वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, तो वहाँ पे भी आप अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर दिस मैच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।